सूर्या गोट फार्म गांव सारी जिला झुंझुनू चिड़ावा के अंदर है। तो अगले बाड़े में चलते हैं। ये है इनके जो बकरे हैं बिक्री के लिए, जो ट्रेडिंग के लिए बकरे हैं उनका बाड़ा है ये, और अलग अलग नस्ल के हैं ये। ये कौन सी नस्ल है ताऊ जी? इसको वैसे तो मक्का चीनी बोलते हैं। मक्का चीनी, हाँ जी। इसका वेट आज 75 kg है जिंदे का। 75 किलो वेट है आज है इसका के अंदर। और मैं सोचता हूँ त्यौहार तक देख लो, अब जून में आएगा ना, जून में तो 6 और 3 9 महीने हैं। 9 महीने में ये लगभग 1.5 क्विंटल वजन बनाएंगे इसका। 1.5 क्विंटल वजन इसका बनाओगे आप? हाँ, ऐसे मेरे पास ये 10 हैं बड़े जी। जैसे ये मक्का चीनी है जी, ये अपना सोजत का है, ये सोजत का है, हाँ, ये अपनी बकरियों का है जी। ये ब्रीडर पर नहीं गया, अपनी माँ पर गया जी, तो इसको कस्सी करवा लिया जी। हाँ, इसका 70 किलो वेट है, मतलब इसको भी 1.5 क्विंटल तक लेके जाओगे आप। एक ये है जी, जैसे ये अपने बोल देते हैं देसी भाषा में गुजरी बोल दो, या आपकी वो उधर बोलते हैं आप इस पहाड़ी क्षेत्र में जी, कुचामणी। कुचामणी, हाँ, उस नस्ल का मान लो। बाकी गुजरी में मिलता जुलता है। इसका भी बॉडी वेट आज 75 किलो है जी। ये बाकी सब 70 किलो के, 75 के दो हैं जी, और एक वो भी 75 का, वो खड़ा ना गुजरी वाला, एक और पीछे जी, वो गेट के पास खड़ा वो, हाँ वो, और एक ये इस गेट के पास खड़ा जी। बाकी ये सब 70 के लगभग है जी। तो इनका सबका क्विंटल प्लस से ऊपर ही जाएगा, क्विंटल प्लस से ऊपर ही जाएगा। हाँ, ये 25 बच्चे हैं ऐसे। तो जैसे बात करें 9 महीने बाद 1.5 क्विंटल का लगभग एक बकरा आपके पास हो जाएगा, 17-18 बकरे आपके पास हो जाएंगे। तो एक बकरे की कीमत क्या होगी उस समय? जो अब की बार रेट रही है उस हिसाब से एक बकरा 70,000 रुपये का मानो आप। एक बकरा 70,000 रुपये का मानो, हाँ। तो मतलब काफ़ी ज़ोरदार इनकम अर्जित होगी अब की बार अपने, हाँ। को। और ये 25 हैं, ये छोटे हैं थोड़े जी। इनका वेट ये मानो कि आज किसी का 40-45, मतलब अंडर 50 है। अंडर 50 में वो उस बाड़े के अंदर सिर्फ, हाँ, वो 25 हैं जी, वो 25 हैं और वो लगभग 80 तक हो जाएंगे। मतलब एक बात देखें तो बकरे, अगर ये बकरियां लाती हैं, हाँ, तो वो अपने लिए ज़्यादा फायदे का सौदा है। बिल्कुल, देखो दोनों है, पाठ भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो बकरी तो 11 ही शुरू में लेके आया था ना जी, उनसे ही बढ़ाई हैं, तो अपने तो दोनों ही फायदे में। जैसे अभी देखो इस बारे में पाठ हैं जी, कुछ तो क्रॉस हैं, कुछ क्रॉस होने के लायक हैं, उनको अभी दिसंबर में क्रॉस करवाएंगे जी। इस बारे के अंदर ये पाठ ही सारी जी, ये दिसंबर के अंदर इनको क्रॉस करवाया जाएगा। हाँ, एक दो इनमें क्रॉस हो भी गई है जी, बाकी इनको सबको दिसंबर में करवा देंगे। ये 11 हैं जी, तो 11 बकरियां और बढ़ गई अपनी, बिल्कुल है ना, अगली मई तो 11 बकरियां और बढ़ जाएंगी दिसंबर में क्रॉस कराएंगे तो जी, बिल्कुल। तो ये जो ब्रीडर का बच्चा है, इसके बारे में किसान अपने शेर सिंह जी हैं उनसे जानेंगे कि ये कोई स्पेशल क्वालिटी है या कोई ख़ास इनका इनसे लगाव है, ये दो ब्रीडर जो इनका है उनके बच्चे हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमें दीजिए जी। ये बच्चा पिछले जनवरी में जन्मा हुआ जी, अभी इसके अजन 9 महीने जी। इसकी हाइट है लगभग 38 इंच के लगभग जी, लगभग सेम इसके ही दाइन का है जी, दोनों की एक साथ ही 15 दिन के हैं, दोनों दो माओं के हैं, दो माओं के हैं अलग अलग। अब देखो ये तो सोजत में है जी, प्योर सोजत का बच्चा है जी, अपनी माँ पर गया है जी, बिल्कुल। और ये अपने ब्रीडर पर है, ये ब्रीडर पे है, हाँ, जैसे सोजत हैदराबादी में है जी, पूरे कान है, गुलाबी है, वाइट आइज है जी, और इसकी भी हाइट इतनी है जी। तो ये ब्रीडिंग के लिए रखोगे या? ये दोनों ब्रीडिंग के लिए रखेंगे जी। अभी वो बड़े वाला ब्रीडर है ना जी, उसको सेल कर देंगे तो ये बच्चे तैयार हो जाएंगे जी। अभी उसको 3 महीने और नहीं बेचेंगे, जब तक 12 महीने के होंगे तब इसको बकरियों के लगाएंगे जी, इतने दिन बकरियों में पास नहीं लेके जाएंगे जी। तो जैसे वो ब्रीडर आप बेचोगी तो उसकी कीमत लगभग आपको अभी फिलहाल कितनी की मिल जाएगी? अब वो तो देखो मतलब खरीदने वाले पर है, मेरी तो इच्छा है कि मैं जितना दे के आया था उतना तो लूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उतनी तो कीमत होनी भी चाहिए। तो ये आपने देखा ये दो ब्रीडर के दो बच्चे हैं, एक सोजत नस्ल में है, एक हैदराबादी नस्ल में है। तो काफ़ी शानदार इनका फार्म है, सूर्या गोट फार्म, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो। और शेर सिंह जी के मोबाइल नंबर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी किसान भाई इनसे संपर्क करना चाहिए वो इन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो ले सकते हो आप, आपको हर जानकारी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो कि जो किसान बकरी पालन करने के इच्छुक हों उनको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि एक किसान से दूसरे किसान तक ही जानकारी अवेलेबल
हो पाती है। तो शेर सिंह जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में दोबारा आपसे मुलाकातें होती रहेंगी यही उम्मीद करते हैं। तो राम राम साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे फार्म पर विजिट करने के लिए आए और समय निकाल कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के बात यह है कि बकरी पालन शानदार फायदे का सौदा है। तो हमारे जो किसान साथी हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ संदेश अगर आप देना चाहें तो? उनके लिए संदेश यही है, बकरी चाहे अपनी आँखी हो, चाहे वो सोजत हो, चाहे सिरोही, गोजरी और बिटल, जी बकरी की हाइट लेंथ पूरी होनी चाहिए जी। एक फिर बकरी की चराई है ना जी, वो भी ठीक होनी चाहिए जी। चराई नहीं होगी तो वो बच्चे अच्छे नहीं देगी, और अपने आम भाषा में बोलते हैं ना 12 महीने में दो बार बच्चे देगी, वो नहीं देगी। अच्छा, मतलब चराई टाइम पर नहीं होगी। हाँ, तो जो एक क्राइटेरिया है इनका 14 महीने 15 महीने में जो ब्यांत होता है वो नहीं हो पाएगा टाइम, उसमें देखो चराई है, दाना भी है। दाने में क्या डाला जाता है इनको? दाने में इनको 15 अप्रैल से अक्टूबर तक, तो मान लो ये सितंबर लास्ट तक है, जो हाँ, और अक्टूबर से मार्च तक बाजरा, अक्टूबर से मार्च तक बाजरा, बाजरा मक्का, मान लो मक्का भी दे देते हैं जी। तो हरा चारा में जैसे अभी नेपियर घास इन्होंने लगाया है वो डालेंगे, फिलहाल एडवांटा का हरी चरी के नाम से एक घास आता है वो लगाया हुआ है, वो डाल रहे हैं। लूंग हो गई, जो अपनी खेजड़ी होती है, जैसे ये खेजड़ी है इसकी लूंग हो गई, तो ये लूंग डाली जाती है। गवार का फूस डाला जाता है, मूंगफली का फूस डाला जाता है। किसान भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, गवार का फूस अकेला नहीं डालें, क्योंकि वो काफ़ी गर्मी करता है पशु के शरीर में, तो उससे वो बार बार रिपीट होने की समस्या उसके अंदर आ जाती है। तो आपको फार्म कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें, शेयर ज़रूर करें, और जो कोई किसान भाई करना चाहे बकरी फार्म या बकरी पालन करना चाहे, वो शेर सिंह जी से संपर्क कर सकता है, नंबर वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का।